बजट परिचर्चा कार्यक्रम में शिवसेना नेता विजय नाहटा का सत्कार, बिल्डर संगठनों ने किया सम्मानित, यूनिफाइड डीसीआर पर जल्द होगी कार्यशाला। मोदी सरकार के उम्मीदों भरे बजट में रियल एस्टेट को क्या मिला, इस मुद्दे पर परिचर्चा के लिए वाशी के तुंगा होटल में आज एक बजट सेमिनार का आयोजन किया गया। महाराष्ट्रियन बिल्डर एसोसिएशन, एमसीएचआई क्रेडाई नोइंबई समेत कई बिल्डर संगठनों द्वारा आयोजित इस सेमिनार में शिवसेना नेता और पर्यावरण प्राधिकरण के नव नियुक्त चेयरमैन विजय नाहटा को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। बिल्डरों को संबोधित करते हुए शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने माना के बिल्डरों के सामने कई चुनौतियां हैं, हालांकि भरोसा भी दिलाया कि पर्यावरण प्राधिकरण और सरकार के जरिए वे भवन निर्माण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करेंगे। विजय नाहटा ने यहां यूनिफाइड डीसीआर पर कार्यशाला आयोजित करने का भी सुझाव दिया। कोरोना मुळे ही जी फैटर्निटी आहे बिल्डर्सची, त्यांना खूप मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे आणि त्याच्यातून बाहेर येण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, यांनी अतिशय महत्त्वाचे उपमुख्यमंत्री महोदय असतील निर्णय घेतले, ज्याच्यामध्ये स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्यात आली होती, प्रीमियम 50% आणलेला आहे आणि युनिफाईड डी सी आरमध्ये अनेक सवलती या लोकांना दिलेल्या आहेत आणि त्याचा फायदा घेऊन या लोकांची आर्थिक परिस्थितीला बूस्ट देण्याचं काम सरकार करते आहे आणि त्याचा फायदा या लोकांनी जनतेलाही करून द्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे। या नव्या मुंबईमधले रायगडमधले सगळेच डेव्हलपर्स जे आहेत हे अतिशय प्रामाणिकपणे आणि क्वालिटी काम, ज्याला आपण म्हणतो अशा प्रकारचं काम इतके वर्ष त्यांनी केलं, म्हणूनच ही नवी मुंबई इतकी सुंदर झालेली आहे। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। इस कार्यक्रम में एडवोकेट अनिल हरीश ने बजट के प्रावधानों को समझाया और रियल एस्टेट के हितधारकों को उसके अनुसार लाभ उठाने का आह्वान किया। सेमिनार में मशहूर बिल्डर विजय लखानी, मधु पाटिल, रमेश शाह, प्रकाश बाविस्कर, राजेश प्रजापति और अभिषेक शर्मा समेत तमाम भवन निर्माता मौजूद थे। भवन निर्माताओं ने कहा कि विजय नाहटा ने मनपा आयुक्त से लेकर आज तक हर मोड़ पर बिल्डरों को सहयोग और समर्थन दिया, इसलिए उन्हें सम्मानित करने पर हमें खुशी है। रियल एस्टेट के दिग्गजों ने कहा कि हम जल्द ही यूनिफाइड डीसीआर को लेकर सेमिनार आयोजित करेंगे। आम्ही नवी मुंबईच्या जवळपास 5-6 असोसिएशन मिळून आज बजेट सेमिनार व बजेटवर 2021 जो बजेट आला, केंद्र सरकारने जो बजेट संसदेत पारित केला, त्याच्यावर एक रिअल इस्टेट संबंधित ज्या गोष्टी होत्या त्याच्यावर एक हा आजचा सेमिनार आयोजित केला होता। या सेमिनारबरोबरच विजय नाहटा साहेबांची एन्व्हायरमेंटच्या महाराष्ट्राच्या चेअरमनपदी जी नियुक्ती झाली त्यांचा सत्कार त्या अनुषंगाने ठेवलेला होता। एका विकासकाला त्यांच्या जवळची जवळीक फक्त नियुक्ती झाली म्हणून नव्हे तर इथं आयुक्त असताना सुद्धा आणि विभागीय आयुक्त असताना सुद्धा विविध प्रकरणांमध्ये ज्या पद्धतीने एक म्हणजे ट्रॅकच्या बाहेर जाऊन कशा प्रकारे मदत करता येईल, म्हणजे शासकीय ट्रॅक मेंटेन करून त्यांना त्याच्यातून कसं बाहेर पडता येईल अशा प्रकारचं काम नाहटा साहेबांनी केलेलं आहे आणि ती जी जवळीक या नवी मुंबईतल्या बिल्डर्समध्ये त्यांनी निर्माण केलेली आहे आणि एक नवी मुंबईचा एक हृदयपर्शी संबंध प्रत्येक विकासकाची ज्या पद्धतीने निर्माण केलेला आहे त्याची एक छोटंसं टोकन म्हणून आणि एक परतफेड म्हणून आजचा सत्कार आयोजित केलेला होता। विजय नाहटा साहेबने नवी मुंबई को ग्रो होते हुए देखा है, वो हमारे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रह चुके हैं और आज जब उनको चेयरमैन बनाया गया था SEAC का तो हम सब लोग में एक यू नो प्रवाह आया, हमारा खुशी का एक माहौल बना। नाहटा साहब का एक सम्मान करेंगे, फेलिसिटेशन करेंगे
और उनको एक बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं एक देंगे, ताकि वो आगे और भी अच्छे पोस्ट पे जाएं, इस देश की और महाराष्ट्र सरकार की सेवा कर सकें। और साथ ही ये जो उनका नेचर है कि लोगों का काम बिना सेल्फिश इंटरेस्ट के बगैर वो जो करते हैं लोगों का काम, उसमें वो करते समय उनको और भी ऐसे मौके मिले, ये हम लोग उनको एक खुशी का संदेश देना चाहते थे। बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार और कारोबार सृजित करता है, ऐसे में बजट पर इसका व्यापक असर पड़ता है। हर साल बिल्डर्स एसोसिएशन आम बजट पेश होने के बाद ऐसे सेमिनार का आयोजन करते हैं और एक्सपर्ट की राय लेकर आगे की दिशा तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।